कम कर सकते हम किसी आपदा से नुकसान, अपनाएं अगर स्कूल में सुरक्षा के इंतजाम। सतर्कता और सजगता के इसी संदेश के साथ समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ लखनऊ प्रस्तुत करते हैं ये कार्यक्रम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में भागीदारी है निभानी, भागीदारी है निभानी। सभी सुनने वालों को विद्या का नमस्कार। इस समय मेरे साथ हमारी काकी और चंदू भी मौजूद हैं। तो कहिए काकी, कैसी हैं आप? एकदम सुरक्षित और सेहतमंद हूँ और सबको अपना आशीर्वाद देती हूँ। काकी, ये सेहतमंद तो समझ में आया, पर ये सुरक्षित, मेरा मतलब सुरक्षित तुम किससे हो रही हो? रात में कोई भेड़िया घुस आया था क्या तुम्हारे घर में है? अरे अब तुम ही जवाब दो इसको विद्या बेटी। देखो चंदू, अभी तुम्हारे आने से पहले मैं काकी से ये बात कर रही थी कि हमारे स्कूलों में आपदा प्रबंधन यानी किसी आपदा से सुरक्षित रहने के उपाय भी किए जाने चाहिए और इस बारे में सब अध्यापकों और बच्चों को पता होना चाहिए और इसमें भी एसएमसी को ध्यान देना चाहिए। हाँ, वो बात तो ठीक है। अब सुरक्षा की बात चल रही थी तो काकी भी उसी बहाव में खुद को सुरक्षित रखने की बात बोल गई। तुम्हें तो पता ही है कि काकी जब कोई बात या काम शुरू करती हैं तो उसमें डूब ही जाती हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल डूब जाती हैं। पता नहीं ये अपने घर में कुआं किस दिन खुदवाएंगी। क्यों रे, क्या बोला तू, फिर से तो बोल। अरे अब छोड़ो भी काकी, देखो आज हम कितने जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं कि किसी आपदा से कैसे बचाव किया जाए, तो इसी बारे में बात शुरू करते हैं ना। हाँ ठीक है विद्या बेटी, लेकिन इस चंदू से कहो कि बीच में फालतू बात नहीं करेगा। हाँ अरे नहीं करूँगा काकी, मेरी तौबा। हाँ तो पहले बात शुरू करते हैं कि ये आपदा जिसे अंग्रेजी में डिजास्टर कहा जाता है, ये होती क्या है? हाँ भाइयों बहनों, मेरे साथ तुम भी अच्छी तरह से समझ लो कि आपदा का अर्थ है अचानक होने वाली कोई विनाशकारी घटना जिससे व्यापक जान माल का नुकसान हो सकता है। और कभी कभी तो ये नुकसान बहुत अधिक हो जाता है जिससे सामान्य जीवन भी प्रभावित होता है। हाँ काकी, और हमारे देश में लागू आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के मुताबिक आपदा से अभिप्राय किसी क्षेत्र में हुई विनाश, अनिष्ट, संकट या कोई बेहद गंभीर घटना से है जो प्राकृतिक या मानवीय कारणों से या फिर दुर्घटनावश या लापरवाही के कारण घटित होती है और अपने पीछे कई बार तो भयंकर नुकसान और दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ जाती है। हाँ काकी, इससे मानव जीवन की हानि हो सकती है, लोग घायल या पीड़ित हो सकते हैं। और तुझे पता है चंदू, संपत्ति और आजीविका का नुकसान भी हो सकता है और पर्यावरण भी इससे छिन्न भिन्न हो सकता है। काकी, फिर तो इससे बचाव के उपाय पता होने चाहिए, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसी कौन सी आपदाएं हो सकती हैं जिनसे बचाव का हमें पता होना चाहिए। चंदू, इनमें से एक तो होती है प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि भूकंप, बाढ़, ओलावृष्टि, आंधी तूफान, चक्रवात, वज्रपात, बर्फबारी और बादल का फटना आदि। और इसमें भूस्खलन भी शामिल है। अच्छा काकी, तुम इतना जानती हो तो फिर ये भी बता दो कि दूसरी तरह की आपदाएं कौन सी होती हैं? दूसरी तरह की आपदाएं होती हैं चंदू, मानवीय आपदाएं, जैसे आग लगना, औद्योगिक दुर्घटना, रेल या सड़क दुर्घटना, भगदड़, बम विस्फोट या फिर डेंगू, मलेरिया, जापानी बुखार, हैजा आदि बीमारियों का फैलना। तो भाई ऐसी आपदाओं से बचाव की तैयारी हमें करनी चाहिए। हाँ, और स्कूल में तो आपदाओं से बचाव की तैयारी खास तौर पर होनी चाहिए,
मतलब वहाँ सबको इस बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए इस बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं हमारी आज की नाटिका से। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये लोकगीत। आओ भाई अब सुनते हैं आज की नाटिका। केशव एक बात तो बता। क्या पूछना चाहते हैं काका? यही कि काकी का पकाया भोजन मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं? अरे नहीं 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 भाई, तेरी काकी तो सब कुछ पकाती, इतना मजेदार है कि उसका पकाया भोजन सबको अच्छा लगता है। और तू तो आज इतने समय बाद ये भोजन कर रहा है बेटा, तो तुझे तो अच्छा लगेगा ही। पर मैं कुछ और पूछ रहा था। तो पूछिए ना काका। भाई तुम ये जो आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग लेकर शहर से आए हो, तो इसके बाद आगे क्या करने का इरादा है? काका एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में आपदा प्रबंधन संचालक के तौर पर मेरा चयन हो गया है, बस अगले ही सप्ताह वहाँ अपना काम शुरू करना है। अरे बेटा ये नौकरी तो ठीक है, पर आपदा से सुरक्षा के उपायों के बारे में तो सबको पता होना चाहिए ना? हाँ काका सबको पता होना चाहिए, गांव शहर कस्बे के हर नागरिक को पता होना चाहिए। हाँ तो भाई मैं एक बात सोच रहा था केशव, वो अपने हरपाल जी है ना, भाई यहाँ के सरकारी स्कूल की SMC के मेंबर है ना वो। अच्छा SMC मतलब विद्यालय प्रबंध समिति है ना। हाँ तो वो मुझसे अक्सर कहते हैं कि भाई सतवीर भाई स्कूल के लिए कोई जरूरी बात समझ में आए तो हमें बताओ, हम उसे जरूर पूरा करेंगे। तो ऐसी कोई बात आपकी समझ में आ रही है काका? हाँ केशव मैं सोच रहा था कि भाई किसी आपदा से सुरक्षा की बात स्कूल के बच्चों और अध्यापकों आदि को बताई समझाई जाए, ताकि कभी किसी आपदा की अनहोनी हो तो नुकसान के जोखिम को कम किया जा सके। ये तो बहुत अच्छी बात सोची आपने काका, इस काम में मैं मदद करने को तैयार हूँ। हाँ तो भाई फिर तुम ऐसी सब जरूरी बातें स्कूल की एक सभा में बता दो, फिर SMC वाले उन्हें जरूर पूरा करेंगे। ठीक है काका। हाँ। ऐसा ही करते हैं। तो काकी इस तरह सतवीर भाई ने SMC से बात करके एक सभा बुलवाई, जिसमें केशव ने आपदा का जोखिम कम करने की कुछ जरूरी बातें बताईं। तो चलो फिर हम भी चलते हैं उस सभा में। आ जा रे चंदू चल। हाँ हाँ चल रहा हूँ काकी चल रहा हूँ। चल भाइयों बहनों, आज इस सभा में मुख्य अध्यापक जी और सभी अध्यापक गण के साथ साथ SMC के सभी सदस्य, स्कूल के बच्चे और कुछ गांव वाले भी शामिल हैं। तो अब आपदा से सुरक्षा के बारे में कुछ जरूरी बातें हमें केशव कुमार जी बताएंगे। आइए केशव जी, आइए 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 आइए। देखिए सबसे पहले तो हमें अपने क्षेत्र के आसपास संभावित प्राकृतिक और मानवीय दुर्घटनाओं तथा उनके खतरों का पता होना चाहिए। जी हाँ भाई, इस बारे में तो जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा हेडमास्टर साहब आपने। देखिए अब कोई विपदा या आपदा, चाहे वो प्राकृतिक हो या किसी मानवीय भूल का परिणाम हो या किसी दुर्घटना के कारण हो, उसका जोखिम कम करने के लिए सबसे पहले हमें स्कूल के भवन में उन बातों को दूर करना चाहिए जो असुरक्षा का कारण बन सकती हैं। लेकिन केशव जी ऐसी कौन सी बातें हो सकती हैं? हेडमास्टर जी अब जैसे स्कूल में छत व दीवार के टूटे प्लास्टर, बिजली पैनल की गलत जगह फिटिंग या बिजली के खुले पैनल या नंगी तारें, किसी अलमारी या फर्नीचर का गलत जगह पर होना, आपदा के समय स्कूल से निकलने के रास्ते में कोई रुकावट होना, या फिर कोई ऐसी वस्तु जो भूकंप के दौरान गिर सकती है, जैसे शीशे के पैनल, पानी की टंकी, बुककेस या गमले आदि, तो जोखिम के ऐसे सभी कारणों को दूर किया जाना चाहिए। भाई वाह केशव, ये तो बहुत बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हाँ, जरूरी बात। इसी तरह स्कूल में निकट के दमकल केंद्र, अस्पताल, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस, चाइल्ड लाइन, सिविल डिफेंस पोस्ट,
पुलिस स्टेशन और ग्राम पंचायत, नगर निगम व जिला अधिकारी कार्यालय आदि के फोन नंबर और पते आसानी से स्कूल में उपलब्ध होने चाहिए। इनके नंबर तो अध्यापकों या बच्चों के पास भी होने चाहिए। भाई इन महकमों के नंबर तो स्कूल में एक दो जगह साफ साफ लिखवाने चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा भाई आपने। और SMC को इन महकमों के अधिकारियों के साथ सभा करके ये देखना चाहिए कि स्कूल में किस प्रकार आपदा से सुरक्षा के और उपाय किए जा सकते हैं। हाँ, केशव कुमार जी, इस बारे में तो हम कल से ही काम शुरू करते हैं। जी अच्छा, एक बात और, हेडमास्टर साहब के नेतृत्व में स्कूल के अंदर एक आपदा प्रबंधन समिति होनी चाहिए जो जिले के आपदा प्रबंधन विभाग से सहायता प्राप्त करके स्कूल में आपदा के जोखिम को कम करने के उपाय कर सकती है। अच्छा केशव भाई, आपदा का सामना करने के लिए स्कूल में कुछ समितियां भी बनाई जा सकती हैं? क्यों नहीं काका, ऐसी समितियां बनाई जा सकती हैं, जैसे जन जागरूकता टीम, चेतावनी और सूचना फैलाने वाली टीम हो सकती है, या सुरक्षित निकासी टीम, खोज तथा बचाव टीम, अग्नि सुरक्षा टीम, प्राथमिक उपचार टीम या जल स्वच्छता टीम। तो इन टीमों में अध्यापकों तथा बच्चों को शामिल किया जा सकता है। ये केशव भैया, ये आपने अपने आगे कुछ पुस्तकें भी रखी हुई हैं, ये कैसी हैं? ये विभिन्न आपदाओं से बचाव के उपायों वाली सामग्री है। इनके जरिए हम स्कूल में जागरूकता फैला सकते हैं, जैसे बाढ़ के समय बचाव के लिए कौन सी चीजें स्कूल में होनी चाहिए, या भूकंप के समय बच्चों को दीवार के साथ कोने में या लकड़ी की मेज के नीचे चले जाना चाहिए। ठीक कहा आपने केशव जी, हम इन उपायों के बारे में बच्चों को जरूर बताएंगे। हाँ हेडमास्टर साहब, इन उपायों को अपनाकर जीवन को होने वाली हानि तथा बच्चों को लगने वाली चोटों की रोकथाम की जा सकती है, खासकर भूकंप के समय जिसकी कोई पूर्व चेतावनी नहीं होती। ठीक है केशव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाइयों बहनों, ये बच्चे जो देश के भविष्य की पहचान है, इन्हें शिक्षा के लिए एक सुरक्षित वातावरण तो हमें देना ही है, साथ ही उन्हें किसी आपदा से कारगर ढंग से निपटने के लिए तैयार भी किया जाना चाहिए, और ये बात हर विद्यालय में अपनाई जानी चाहिए। भाई हेडमास्टर जी ने सच्ची बात कही कि आपदा से निपटने की तैयारी तो हर स्कूल में की जानी चाहिए। ठीका की, और अब हमने तैयारी कर ली है ये संदेश सुनवाने की। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है और मैं यूनिसेफ का राज्य सलाहकार हूँ। जो हमारी विद्यालय प्रबंधन समिति है, इसको हम उत्तरदायी बना सकते हैं, और ख़ास करके कि हमारे जो विद्यालय के आसपास जो जोखिम एवं खतरे हैं उनको चिन्हित करके अगर हम बचाव की रणनीति बना सकते हैं तो हमारा विद्यालय का एनवायरनमेंट बहुत फ्री होगा और हम विद्यालय को सशक्त कर सकते हैं। चंदू, तेरा कुछ बोलने को रह तो नहीं गया? काकी, बस यही कहना है कि स्कूल में किसी आपदा का मुकाबला करने की जो तैयारी हो तो उसमें इलाके के सब लोग शामिल हों, और वो सब अपने जो उपाय सीखे हैं उनको अपने घरों में भी अपनाएं। भाई वाह वाह वाह, प्रोग्राम के आखिर में तूने एक सही बात बोल ही दी। शुरुआत में भी बोली थी काकी, भूल गई तुम। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय हिंद। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी, आज माता पिता ने है ठानी विद्यालय प्रबंध समिति में।